हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम समरी करेंगे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम की, साइंस बुक ग्रेड 9 सीबीएसई से। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रब करते हैं तो वे इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। अब ये जो है ओरिजिन इस चार्ज का, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है अगर हम इस बात को माने कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं मैटर के, यानी कि जो एटम्स हैं, वो डिविजिबल हैं और उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एटम को जो है हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा पार्टिकल है एलिमेंट का, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और अपनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अनुसार एटम्स जो है वो पार्टिकल्स से बने होते हैं। जो थ्री मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं कैथोड रेज की। 1878 में विलियम क्रुक्स जो हैं, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किए और ये पाया कि जो नई रेडिएशंस हैं वो निकली, उससे उन्होंने उसको नाम दिया कैथोड रेज। अब क्योंकि ये जो रेज हैं ये ट्रैवल करती है कैथोड से एनोड की तरफ। फिर बाद में जे थॉमसन जो हैं, उन्होंने ये बताया, जब उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स पर स्टडी किया कैथोड रेज की, तो उन्होंने फाइनली ये कंक्लूड किया कि जो कैथोड रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और अब हम उनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये जो नेम है इलेक्ट्रॉन, ये दिया गया था जॉनसन स्टोनी द्वारा। जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, जो कैनाल रेज हैं या एनोड रेज हुई। 1886 में ई गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और नई रेडिएशंस को डिस्कवर किया जिसको उन्होंने नाम दिया कैनाल रेज। ये रेज जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई थी और इसी वजह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग पहले बात करते हैं पोजीशन की। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट रहते हैं और अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। मास के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.108 × 10⁻²⁸ ग्राम होता है, प्रोटॉन का 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम और न्यूट्रॉन का भी 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम होता है। चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन −1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम्स जो है चार्ज होते हैं, प्रोटॉन 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम्स होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन 0 होते हैं। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल जो है वो e⁻⁻ है, प्रोटॉन के लिए p⁻⁶ है और न्यूट्रॉन के लिए सिर्फ n है। एटॉमिक मॉडल्स जो प्रपोज किए गए थे साइंटिस्ट द्वारा, वो बताते हैं कि बहुत अलग अलग तरीके के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, उनका अरेंजमेंट कैसा है। जे थॉमसन जो हैं सबसे पहले थे जिन्होंने ये बताया, जिन्होंने एक मॉडल को सामने रखा ताकि वो जो एटम का स्ट्रक्चर है उसको बता सके। थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसको हम वाटरमेलन मॉडल या क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। उन्होंने कंपेयर किया इलेक्ट्रॉन्स जो रेजिन के साथ हैं एक स्पेशल स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग में, उन बीजों के साथ जो कि वाटरमेलन के हैं। अब जो थॉमसन मॉडल थे उससे क्या सामने निकल के आया कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस स्फीयर के अंदर सेट रहते हैं। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है उसके अंदर दोनों बराबर होते हैं। अब थॉमसन मॉडल के ड्रॉबैक क्या थे, वो ये नहीं बता पाए कि आयरन एटम जो है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, यानी कि कैसे जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को रोके रहता है। वो ये भी नहीं बता पाए कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनकी स्कैटरिंग कैसी होती है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, जो थॉमसन के स्टूडेंट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया जो कि थॉमसन मॉडल को पूरी तरह से डिसअप्रूव करेगी। अगर आपको किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ना है तो रदरफोर्ड ने जो है एक परफॉर्म किया बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के लिए रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल का यूज किया, उन्होंने एक बहुत नैरो बीम बनाई अल्फा पार्टिकल्स की जो कि गोल्ड फॉइल पे पड़ रही थी। अब ये जो ऑब्जर्वेशंस हुए अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से वो क्या थे, ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गए गोल्ड फॉइल के थ्रू बिना कि डिफ्लेक्ट हुए। बहुत स्मॉल फ्रैक्शन जो अल्फा पार्टिकल्स का वो डिफ्लेक्ट हुआ स्मॉल एंगल्स पे। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बाउंस बैक हो गए,
तो इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर रदरफोर्ड ने बताया एक न्यूक्लियर मॉडल किसी भी एटम का। अब जो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल था ये क्या बता रहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो कंसंट्रेटेड होते हैं एटम के सेंटर में, जिसको कि हम कहते हैं न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं सर्कुलर पाथ में, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। और न्यूक्लियस का साइज जो है बहुत छोटा होता है एक एटम के मुकाबले। पर रदरफोर्ड मॉडल के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। जो ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन है इलेक्ट्रॉन का वो नहीं एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि वो स्टेबल है। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि अपनी मूविंग में वो ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं वो एनर्जी को दे देते हैं, जिससे वो जो है स्लो पड़ जाते हैं और फिर वो जो है न्यूक्लियस की तरफ मूव करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक स्पायरल पाथ को फॉलो कर रहे हैं और फिर वो जो है न्यूक्लियस में जाके गिर जाते हैं, इससे एटम खत्म हो जाता है। पर रियलिटी में एटम जो है स्टेबल है। बोर्स मॉडल क्या था, जो भी शॉर्टकमिंग्स थी रदरफोर्ड मॉडल की उसको ध्यान में रखते हुए नील बोस ने जो है अपने जो निष्कर्ष थे वो बताए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेके। अब बोस मॉडल के क्या निष्कर्ष निकले थे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, जिसको कि हम शेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं बिना जो एनर्जी है उसको रेडिएट किए हुए। पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो कांस्टेंट होती है, इसी वजह से ऑर्बिट्स जो हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स या स्टेशनरी शेल्स भी कहे जाते हैं। ऑर्बिट्स या शेल्स जो हैं इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ये ऑर्बिट्स या शेल्स जो हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर्स के एल एम एन एन से या फिर नंबर्स 1, 2, 3, 4 से। अब ड्रॉबैक्स क्या थे बोर मॉडल के, बोर मॉडल जो है अप्लाई नहीं होता था एलिमेंट्स पे जैसे कि हीलियम या लिथियम है या जो हायर एलिमेंट्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर। ये मॉडल ये भी नहीं बता पाया कि इनका स्ट्रक्चर जो केमिकल बॉन्ड्स का है वो कैसा है। फिर आई डिस्कवरी न्यूट्रॉन्स की। अब अगर हम एलिमेंट जो हीलियम है उसी को ध्यान में रखें तो ये पता चला था कि हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि उसका जो मास है वो 4 टाइम्स था हाइड्रोजन के मुकाबले। इसी तरीके से जो मासेस थे कुछ और एलिमेंट्स के वो भी बिल्कुल डबल या डबल से भी ज़्यादा थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया जब डिस्कवरी हुई एक और पार्टिकल की न्यूट्रॉन, जिसे जेम्स कैडविक ने किया था 1932 में। उन्होंने बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल्स के साथ बॉम्बार्ड कराया। न्यूट्रॉन जो है एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसका जो मास है वो बिल्कुल इक्वल होता है प्रोटॉन के और वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है प्रोटॉन के साथ। तो ये थी बच्चों माय समरी, आपको अच्छी लगी समझ में आई, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसाम एजुकेशन। बाय।